In this video, I explain angular dispersion and dispersive power. So let's start. Question number one, define angular dispersion. Angular dispersion क्या होती है? क्या definition है इसकी? So the angle subtended between the direction of emergent violet and red rays of light from a prism is called angular dispersion. मतलब ये क्या है? एंगल है वायलेट रे और रेड रे के बीच का. मतलब जैसे हम वाइट लाइट प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमारी मतलब सेवन कलर में लाइट स्प्लिट होकर निकलती है ना विबघोर में, तो वो जो पहली रे निकलती है, पहली हमारी रेड रे निकलती है और लास्ट वाली वायलेट रे निकलती है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम डिस्पर्शन एंगल भी बोलते हैं और एंगुलर डिस्पर्शन भी बोलते हैं. इस डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. सो हमारी जो वाइट लाइट निकल रही है वहाँ से हमारी मतलब प्रिज्म में से निकलने के बाद हमारी रेड रे और वायलेट रे निकल गई. हमने इन दोनों को ही लिया, जो बीच में रेज होती हैं उनको हमने नहीं लिया इस फिगर में, ठीक है, समझने के लिए. तो जैसे ही वो प्रिज्म में से बाहर निकल गया वहाँ से हमने उन लाइंस को एक्सटेंड किया हुआ पीछे, और वहाँ पे हमारा जो एंगल दिख रहा है ना ग्रीन में, उसको हम डिस्पर्शन एंगल बोलते हैं और एंगुलर डिस्पर्शन भी बोलते हैं. नेक्स्ट है डिफाइंड डिस्पर्सिव पावर. डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? सो क्या डेफिनेशन है इसकी? कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन. मतलब ये रेशियो होती है एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन की, डीपी इन शॉर्ट मैंने लिखा है डिस्पर्सिव पावर को, ठीक है. सो ये ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन होती है, ठीक है. म्यू वी माइनस म्यू आर हमारा एंगुलर डिस्पर्शन है, ठीक है, और मीन डेविएशन हमारी म्यू माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला होता है. और इसको डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से लिखते हैं. सो ये इसका फॉर्मूला है डिस्पर्सिव पावर निकालने का. सो इस तरह से हम डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं. आई थिंक आपको डिस्पर्सिव पावर और एंगुलर डिस्पर्शन दोनों क्लियर होंगे होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट टू सी मोर काइंड ऑफ वीडियोज लाइक दिस कैटेगरी प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल.